अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखें और वाफर मकदार में हलाल रिज़्क़ अता फरमाएं, बरकत वाला आसानी वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंडेंस मिल्क बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 किलो दूध लिया है और हमने इसको इतनी देर पकाना है कि जो हमारा दूध है ये हाफ रह जाए, और थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच भी हिलाते रहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दूध जो है हमारा तकरीबन 400 ग्राम रह चुका है। अब हम इसमें लेंगे 150 ग्राम चीनी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और 2 हम इसमें सब्ज इलायची शामिल करेंगे, क्योंकि जब पकने के बाद जो हमने साबुत डाली है इलायची हमने इसमें से निकाल देनी है। और अब हमने इसको इतनी देर पकाना है कि ये जो दूध है हमारे पास 300 ग्राम रह जाए। कंडेंस मिल्क हमारा तैयार है और ये हमारे पास इस थिकनेस में आ चुका है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। कंडेंस मिल्क को हम बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे शीर खोरमा, फिरनी, सेमियाँ और जो भी दूध से बनने वाली स्वीट डिश है। इंशाल्लाह इसे जो है स्वीट डिश का जायका और भी 3 से 4 गुना ज़्यादा हो जाएगा। गर्मियों में बना के इसको फ्रिज में रखें, इंशाल्लाह बच्चे आपके बहुत पसंद करेंगे। ब्रेड के साथ दें या ब्रेड रोल बना के दें। तो आज हम इसको इस्तेमाल करेंगे सेवैयों में। कंडेंस मिल्क के साथ हमने यहाँ पर सेवियाँ बनाई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी हर रेसिपी की नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। 2 चम्मच हम इसमें अब लेंगे कंडेंस मिल्क, और ये 2 चम्मच कंडेंस मिल्क से इंशाल्लाह हमारी सेवियाँ इतनी मज़ेदार हो जाएंगी कि खाने वाला एक, जब ठंडी यख सेवियाँ होंगी तो खाने वाला एक चम्मच खाते ही बोलेगा वाह बहुत मज़े की बनी है। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए और वाफर मकदार में हलाल रिज़्क़ अता फ़रमाए, बरकत वाला आसानी वाला। अल्लाह हाफिज़।